पंडित जी और बताओ। पंडित जी ने दो चार छह गप्पे और फेंके। अब वो कहने लगी पंडित जी और बताओ। पंडित जी ने सोचा तो मेरे पीछे पड़ गई, अब इससे कैसे पिंड छोड़ाऊं। आखिर पंडित जी ने एक बात कह दी अंत में, बेटा सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। बोले पंडित जी क्या दिक्कत है? पंडित जी ने कहा कि तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। शनि? कहते शनि चढ़ा हुआ है। अब देखो वो एमएससी पढ़ी लिखी बेटी थी, एमएससी, और जब शनि का नाम सुना तो उसकी हवा निकल गई, घबरा गई पूरी तरह से। बोले पंडित जी अच्छा शनि देवता मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं? बोले हाँ। अरे तो पंडित जी कैसे उतरेंगे, इनका कोई उपाय है? पंडित जी कहते हैं बेटा सब चीज का उपाय, चिंता क्यों करती है, हम उतार देंगे। बोले पंडित जी बड़ी कृपा होगी, आप कैसे उतारेंगे? तो पंडित जी ने कहा बेटा एक काम करो, शनि को उतारने का एक ही उपाय है। अब देखो पंडित जी, पंडित जो लोग होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, और आप लोग भी किसी पर मूल आ जाता है, किसी के जो है ना कोई मंगली लड़की होती है, कोई मंगला होता है, तो क्या वो कर्मकांड करने से ठीक थोड़ा होता है? ये केवल एक धंधेबाजी है समाज की, मैं स्पष्ट आपके बीच में बोल रहा हूं, केवल धंधेबाजी है। पार्टियों को फंसाते हैं लोग, जैसे भी 51,000, 21,000, 11,000 में जैसा जो फंस जाए बस ले लो उनसे, और यज्ञ पूजा करके बोले उतर गया तुम्हारा मूल। अरे ना तो कभी मूल चढ़ता है ना कभी मूल उतरता है, केवल लोग बेवकूफ बनाते हैं मूल के नाम से। ये मंगला मंगली का चक्कर चल रहा है आजकल, खूब लोग कुंडली लेकर घूम रहे हैं कि महाराज बताओ हम शादी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो तो लड़का मंगला है, वो लड़की मंगली है। अरे क्या है ये मंगला मंगली? कितनी लड़कियों को जो इस चक्कर में पड़ी हुई थी, और हमने हमने कहा ऐसे मानने वाली नहीं है, हमने उनको यज्ञ करके हमने कहा चलो तुम्हारा दोष हमने दूर कर दिया, बहुत अच्छा गृहस्थराज भी उनका, लेकिन दूसरों के चक्कर में पड़ते कुछ भी होने वाला नहीं था। तो वो बेटी कहने लगी पंडित जी उतारो ये शनिदेव, कैसे उतरेंगे? पंडित जी ने कहा इनका उतारने का एक ही तरीका है, 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराओ। अब देखो पंडित जी ने पहले ही गणित लगा लिया, 3 ही लोग हैं और 3 दिन तक ही ठहरना है, रोज रोज किसके घर में भोजन करते फिरेंगे? तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, बोले पहले अपना भोजन तय करो। और यही होता है पंडित जी के घर में जो सामान नहीं होता ना, वो पंडित जी बता देते हैं भैया ये दिशा उतरवाना है तो ये दाल लेकर के आ जाना, ये चावल लेकर के आ जाना, वो सारी रसोई का सारा सिस्टम आ जाता है। हकीकत यही है। कहते हैं 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। कहता पंडित जी ठीक है। अब उसके दिमाग ने बाद में बात काम किया, वो कहती पंडित जी महाराज ये तो बड़ा संयोग है, मेरा सौभाग्य है कि आप 3 लोग हैं और 3 दिन तक ही आप लोगों को रहना है, आपसे अच्छे पंडित मुझे कौन मिलेंगे, तो आप ही मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लो। पंडित जी कहने लगे बिल्कुल बेटा हम तेरे यहां भोजन करेंगे 3 दिन तक। भोजन उनका पक्का हो गया। अब गर्मी का समय था बच्चों, पंडित जी को आम का जूस बहुत प्रिय लगता था। पंडित जी ने कहा बेटा केवल भोजन कराने से बात नहीं बनेगी, शनि को उतारने के लिए भोजन के साथ आम का योग बहुत जरूरी बताया है, इसलिए पंडित लोगों को भोजन कराने के बाद में छक्कर के आम का जूस पिलाना, क्योंकि पंडित जी को आम का जूस प्रिय था। उसने कहा पंडित जी चिंता मत करो। उस बहन ने 3 दिन तक बढ़िया श्रद्धा से भोजन बनाया, बहुत श्रद्धा से, और फिर भोजन बनाने के बाद में आम का रस बनाती थी, आम का जूस बनाती थी, और उसके अंदर क्या करती थी, बढ़िया काजू पिस्ता बादाम सब कुछ उसमें मिला करके और बहुत आलीशान बना करके पंडित लोगों को पिलाती थी। पंडित लोग भी 4-4, 6-6 गिलास पी जाते थे आराम से। 3 दिन तक खूब सेवा की, 3 दिन तक। और जब 3 दिन के बाद में वो बहुत सारी द्रव्य दक्षिणा लेकर के आई, पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुई, पंडित जी को दक्षिणा दी, और पंडित जी ने रुपया दक्षिणा लेकर के कपड़े अपने थैले में रख करके पंडित जी नमस्ते करके चलते बने। उस बहन ने कहा पंडित जी ठहरो ऐसे मत जाओ। पंडित जी ने कहा बेटा क्या बात है? तो उस बहन ने कहा पंडित जी ये बताओ जो शनि चढ़ा था वो उतर गया? नहीं नहीं उतरा अभी। पंडित जी कह रहे वो चढ़ाई कब था जो उतरता? बोला पंडित जी अच्छा तो आपने मुझे वैसे ही पागल बना दिया। पंडित जी कहने लगे बेटी मैं तो तेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था, तू कहती मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, तू क्या खाक पढ़ी लिखी हुई है, तुझमें इतनी अकल नहीं है, शनि क्या है? कहती है पंडित जी ग्रह है। बोले कितना बड़ा ग्रह है? कहती है वो तो बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत भारी ग्रह है। कितना बड़ा है धरती से? बोले धरती से तो बहुत बड़ा है। तो पंडित जी कहने लगे कि धरती से भारी ग्रह तेरे ऊपर चढ़ गया और तुझे पता ही नहीं चले? अरे पागल तेरे ऊपर 50 किलो की बोरी धर दूं तेरा कचूमर निकल जाएगा, तेरे शरीर पर कोई चींटी चढ़ जाए तो तुझे पता चल जाता है, लेकिन शनि तेरे ऊपर चढ़ गया तुझे पता ही नहीं चला। क्या विडंबना समाज की है कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है उसको पता ही नहीं है, बताने वाला भी दूसरा है उतारने वाला भी दूसरा है, हम केवल उल्लू बन जाते हैं उनके सामने। ये सब कुछ धर्म के नाम पर समाज में चलता है। इसलिए मैं कहता हूं वेदों की तरफ लौटो,
इस पाखंड से मत बनो, ये ज्योतिष पर कभी विश्वास मत करो, राशियों के चक्कर में कभी मत पड़ो, अपने भाग्य पर कभी मत जाओ। अरे तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बनाने वाला है। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम पुरुषार्थी हो, मेहनती हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और यदि तुम आलसी प्रमादी हो, मेहनत नहीं करते हो पूरी तरह से ईमानदारी से, तो कितना भी हाथ दिखाते रह जाना, इन हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता, ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, जिनकी लकीरें नहीं है, जिनके हाथ कट गए, क्या उनका भाग्य नहीं होता? यानी लकीरों में कुछ नहीं छुपा हुआ है। याद रखना, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने बचपन में 3-4 ज्योतिषियों को हाथ दिखाया, 3-4 ज्योतिषी लोगों को, और सबने एक ही बात मुझे बताई, ये तो उनमें एक साम्यता थी, पता नहीं वो क्या देखते थे, वो ये लकीरें उन्होंने बांटी हुई कि ये लकीर विद्या की है, ये लकीर आयु की है, ये लकीर वैभव की है, उस प्रकार से वो लकीर तो आज भी मेरे हाथ में बनी हुई है। जब मैंने ज्योतिषी लोगों को हाथ दिखाया तो सारे ज्योतिषियों ने एक बात कही, पहली बात तो ये कही कि भैया सुन, तेरे पास में विद्या की, तेरे हाथ में विद्या सरस्वती माता का वास नहीं है, तू पढ़ लिख नहीं पाएगा, मूर्ख रहेगा। मैंने उनकी पहली बात असत्य साबित की। मैंने 2 विषयों से एमए किया, 3 विषयों से आचार्य किया है, और देश विदेश में मैं धर्म प्रचार के लिए जाता हूं, तो पहली बात उनकी झूठ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम मूर्ख रहोगे, ये पहली बात उनकी बिल्कुल ज्योतिषियों की गलत बात निकली। दूसरी बात, ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारी 2 शादी होंगी, मेरी 1 भी नहीं हुई, मैं संत और बाबा जी बनकर के आपके सामने बैठा हुआ। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल दरिद्र रहोगे, तुम्हारे पास ना तो लक्ष्मी है और ना सरस्वती है, बिल्कुल दरिद्र, तुम्हारा जीवन बड़ा बोझ बनेगा, भार बनेगा। वो बात भी उनकी झूठ है। वैसे तो हम साधु संन्यासी अभिमान किसी बात का नहीं करते, लेकिन हम सामाजिक प्रकल्प चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, और अभी हम गुरुकुल बना रहे हैं जिसमें हजारों बच्चे एक साथ रहकर के शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी पहले चरण का निर्माण उसका चल रहा है, जिसमें 500 बच्चे की कैपेसिटी का छात्रावास, बेडरूम, पुस्तकालय, भोजनालय, पाकशाला, हॉल आदि सब कुछ बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बिना धन के नहीं होती। तो जो ज्योतिषियों ने मेरे जीवन से संबंधित 3 बात बताई, तीनों की तीनों बात झूठी। मैं आपके सामने बैठा हुआ, इसलिए मैं आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगाना चाहता हूं। कभी किसी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ना, ये डोरे गंडे ताबीज के चक्कर में कभी मत पड़ना मेरी बेटियों। किसी भी डोरे गंडे ताबीज को तुम लाते हो ना बदवा करके, मुल्ला जी से पढ़वा करके लाते हो, अरे इसको तोड़ करके देखना, इसमें कुछ नहीं है, मुल्ला जी के दाढ़ी के 2 बाल निकलेंगे और 786 लिखा हुआ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और तुम बड़े खुश हो रहे हो, भाई ताबीज बनवा लिया मैंने, ताबीज बनवा लिया। अरे ताबीज क्या तोप हो गई, क्या कर लेगा ये ताबीज? क्या ताबीज बांधने वाले लोग बीमार नहीं होते? क्या सारे के सारे ताबीज बांधने वाले लोग सफल हो जाते हैं? ये सारी के सारी केवल मन के विकार है, मन की निर्बलता की बात है, मन की दुर्बलता की बात है। मन से मजबूत बनने की आवश्यकता है, इन पाखंड में बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इन ताबीजों में, ये डोरे गंडे ताबीज जो आप पढ़वा करके लाते हो, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, याद रखना। और जिन चीजों से तुम डरते हो ना, जिनकी भय की वजह से तुम ताबीज बनवाते हो कि भूत ना आ जाए, प्रेत ना आ जाए, जिन्न ना चिपक जाए, तुमको शनि राहु केतु तुम्हारी ग्रहों की दिशा को नहीं बिगाड़ते, जिन चीजों से आप डर करके बैठे हो, मैं खुले मन से चैलेंज के साथ में बोलता हूं, यदि इन चीजों में कुछ दम है तो भाई हमारे ऊपर छोड़ करके देखो, हमारे ऊपर कोई शनि को चढ़ाओ, हमारे ऊपर कोई मंगल को चढ़ाओ, हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत जन्य पिशाच शनि राहु केतु शाकनी डाकनी जितनी भी भयंकर चुड़ैल बुड़ैल जो घूमती है, जिनसे लोगों की हवा खराब होती, जिनसे लोग डरते हैं, हम चैलेंज के साथ में बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई छुड़ा के देखे, हमारा बिगाड़ के देखे, कोई चुड़ैल क्या बिगाड़ेगी, लेकिन कोई नहीं आती हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, भूत को किसको परेशान करना चाहिए? जो भूत को चैलेंज करे भूत उसको परेशान करे, या जो भूत को स्वीकार कर ले, डर ले भूत उसको परेशान करे? बोलो किसको परेशान करना चाहिए भूत को? भाई जो चैलेंज कर रहा है भूत को, जाके अपनी ताकत उसी को तो दिखानी चाहिए। और जो व्यक्ति पहले से डरा बैठा है भूतों से, अब भूत भी उसी को ताकत दिखा रहा है। अब हम भूत को चैलेंज करते हैं कि अगर कोई दुनिया में भूत प्रेत है, जिन्न पिशाच है, तो हमारे सामने आए, अपनी ताकत हमको दिखा करके दिखाए वो। लेकिन हमारे सामने कोई भूत प्रकट नहीं होता, और जो बेचारे डरे पड़े हैं उनको भूत डरा रहा है। तो याद रखना है, कुछ नहीं है, भूत प्रेतों की कोई शक्ति नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, इनसे कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। बहादुर बनो, संध्या करो, यज्ञ करो, गायत्री का जाप करो,
यज्ञोपवीत जीवन में धारण करो, इससे जीवन शुद्ध और पवित्र बनता है। अपना खान पान ठीक रखो, अपने चरित्र को ठीक रखो, याद रखना ये चीज काम करने की है। लेकिन हम इन पर तो ध्यान नहीं दे रहे, समय को बर्बाद कर रहे हैं मोबाइलों के अंदर, खान पान हमारा ठीक नहीं है, आचरण हमारा गड़बड़ होता चला जा रहा है, भूत प्रेतों का हम प्रबंध करवाते फिर रहे हैं इन बड़े बड़े सियाने लोगों से। तो इसमें कभी भी बहकने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी डोरे गंडे ताबीज आप अपने बांध करके फिरते हो ना, बहुत से लोग तो अपनी उंगलियों में अंगूठी पर अंगूठी, अंगूठी पर अंगूठी, वो पता नहीं सारी ग्रहों दिशाओं की जिम्मेदारी इसी ने कंट्रोल अपनी उंगलियों में ले लिया, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही। एक व्यक्ति कहता महाराज मैंने दोनों हाथों की सारी उंगली भर ली मैंने अंगूठियों से, लेकिन फिर भी मेरे दिन नहीं बदले। मैंने कहा तेरे दिन कभी बदलेंगे ही नहीं, तू अंगूठियों पर विश्वास करके चलता भले आदमी, इन अंगूठियों में कोई शक्ति होती तो कोई भी व्यक्ति पहन ले अंगूठी, पहनने से क्या दिन बदल सकते हैं क्या? अरे दिन बदलेंगे आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है तो ये अंगूठी डोरे गंडे ताबीज आपका कुछ भी करने वाले नहीं है। और बच्चों में बहुत दावे के साथ मैं कहता हूं, जिन चीजों से तुम डरते हो ना, हम इन चीजों से खेलते हैं, बिल्कुल भी भयभीत। हमारे गुरुकुल में बच्चे देखो, यहां भी गुरुकुल के बच्चे आए हैं, वेद पाठ करते हैं, और हमारे दो बच्चे तो हमारे नरपत जी के परिवार से हैं, नरपत राज जी के एक तो पोते हैं और एक उनके दोहित्र हैं, और मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत लगन के साथ में काम कर रहे हैं। जिन चीजों से आप डरते हैं, हमारे गुरुकुल के बच्चे इन चीजों से खेलते हैं। हम गुरुकुल चलाते हैं, आपके यहाँ टोटका होता है, टोटका टोटका कर देते हैं ना, और टोटके से लोग कितना भयभीत होते हैं, डरते हैं लोग टोटके, अरे टोटका कर दिया इसने भैया, अब पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो जाएगा। जिसके ऊपर टोटका कर देते हैं आदमी ऐसा भयभीत हो जाता है कि पता नहीं किसने मिसाइल इसके ऊपर छोड़ दी, इतना डरता है व्यक्ति। लेकिन हमारे गुरुकुल के बच्चे जब पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो एक व्यक्ति टोटका करके चला गया सुबह सुबह, और हमारे गुरुकुल के बच्चे टोटका उठा लाए उसका। अब टोटका उठा लाए, उसमें बढ़िया मिठाई भी थी, उसमें तेल भी था, उसमें सारे के सारे चीजें थी, और बच्चे ला करके मिठाई भी रखे गया था मिठाई का डिब्बा, बच्चों ने आकर के मिठाई भी खा ली आराम से, और तेल भी लगाया, मालिश की, व्यायाम किया। अच्छा बच्चों का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, इनका कुछ होता ही नहीं है, ये तो केवल डराने के लिए लोगों की बुद्धि का दीवाला निकला हुआ है। पाखंडी लोग बहका देते हैं, उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं कि मैं इसका बिगड़वा दूंगा, इतना तुझे पैसा देना पड़ेगा, ये टोटका कर दे इसका नाश हो जाएगा। इन टोटकों में कुछ नहीं होता, अगर इन टोटकों के करने से बच्चों कुछ होता ना, तो नरेंद्र मोदी आज तक जीवित नहीं रहते। भाई नरेंद्र मोदी पे छुड़ा लो ना ये भूत प्रेत जुड़ैल डाकनी शाकनी जिन्हें पिशाच, और ये टोटके वोटके कराओ नरेंद्र मोदी का, कोई क्यों नहीं करा लेता, सबकी दुकानें बंद कर दी, सारे के सारे राजनीतिक दल परेशान है। ये सोनिया गांधी, मायावती, ये मुलायम सिंह, ये जितने हैं सारे के सारे, यदि कोई ऐसा श्याणा व्यक्ति होता ना जो इन चीजों को छोड़ना जानता, तो सारे के सारे करोड़ों अरबों रुपया देने के लिए तैयार हैं, भैया मोदी का नाश करा दो। लेकिन कोई करा पा रहा है क्या उसका? कुछ नहीं है। विदेशों में जाओ, कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन हम इन चीजों से भयभीत बैठे हुए हैं। कभी भी इन चीजों से जीवन में मत डरना, इनका कोई वजूद नहीं होता। मैंने चैलेंज किया हुआ है, कोई भूत मुझे दिखा करके देखे, मैं 1,00,000 रुपया नाम उसको दूंगा। आज तक मुझे कोई भूत नहीं दिखा पाया। मैं एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बाबा हैं जो भूत पाल करके रखते हैं अपने पास में, हमको पता चला बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनके पास में जाती है देखने के लिए। हमको भी बताया कि भैया वहां चले जाओ, तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा, वो तुमको भूत दिखा देंगे। हम उनके पास में भी गए, और जब हमने उनसे जाके निवेदन किया कि महाराज आपका बहुत नाम सुना है, हमको भी भूत दिखा दो कैसे होते हैं, हमारी भी बड़ी उत्सुकता है देखने के लिए। बाबा जी ने हमको कई घंटे तक ऐसी चूना लगाते रहे, लेकिन बाबा जी दिखाने के लिए राजी नहीं हुए। आखिर हमने बहुत आग्रह किया, पूरी रात उनके पास में हम रुके, और हमने कहा महाराज हम इतनी दूर से आए, 250 किलोमीटर दूर से आए, कुछ तो कृपा करो। तो जानते हो वो कहते हैं कि महाराज आपके सामने भूत प्रकट नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहते आप आर्य समाजी हो, आर्य समाजी के सामने भूत कभी प्रकट ही नहीं हो सकता। तो मैंने कहा महाराज ये जितने लोग आए भूत उतरवाने के लिए, इनको भी कह दो तुम भी आर्य समाजी बन जाओ, क्यों भूतों से परेशान हो रहे हो भाई। तो याद रखना ये भूत प्रेत होते ही नहीं, हम मानते नहीं तो हमारे सामने कोई आ नहीं सकता। और जो लोग मानते हैं इनसे डरपोक हैं, डरे पड़े हैं, उनको ये परेशान करते हैं, ये तो परेशान नहीं करते। इनका तो कोई औचित्य है ही नहीं, इनकी तो कोई सत्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहकाया जाता है अरे तेरे ऊपर भूत आ जाएगा। तो इन चीजों से कभी नहीं डरना, डोरे गंडे ताबीज के चक्कर में मत पड़ने, काले लाले पीले धागे है ना जिन पे तुम जकड़े पड़े रहते हो, शनि राहु केतु इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की सत्य घटना है, हरियाणा की सत्य घटना, एक चौधरी साहब की ब्यागी बच्चों भैंस ब्यागी, और भैंस तो ब्यागी लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही थी, 7-8 दिन हो गए, बड़े परेशान हो, बोले भैंस दूध पर नहीं, अरे बड़ी दिक्कत। अच्छा गांव में यदि कोई समस्या हो जाए
तो गांव के लोगों का ध्यान इलाज की तरफ नहीं जाता, वो इसी चक्कर में रहते हैं, भाई इस पर किसी ने कुछ करा दिया, इसको नजर लग गई, इस पर किसी ने कुछ टोटका करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया, इसी पर हमारा ध्यान रहता है। जब चौधरी साहब की भैंस ब्यागी और भैंस दूध नहीं दे रही थी, तो उसकी जो माँ थी चौधरी की, उसने अपने पोते को बुलाया और कहने लगी, बेटा शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाना और मुल्ला जी ताबीज पढ़ करके देते हैं, एक ताबीज भैंस के लिए बनवा के लाना। बोले ठीक है दादी मैं ले आऊंगा। 5 रुपए मुल्ला जी ताबीज पढ़ करके देते थे। अब जैसे शुक्रवार का दिन आया, वो बच्चा अपनी दादी माँ के पास में गया और कहता, दादी माँ लाओ मैं ताबीज भैंस के लिए पढ़वा के लाता हूँ, मुझे पैसे दीजिए। दादी माँ ने 5 रुपए की जगह 10 का नोट दे दिया। बच्चे ने कहा, माँ ये तो 10 रुपए हैं। दादी माँ कहती है, बेटे तुमको 2 ताबीज पढ़वा के लाने। बोले दूसरा किसके लिए? एक तो भैंस के लिए समझ में आया, दूसरा किसके लिए? दूसरा ताबीज इसके लिए। दादी माँ ने कहा, बेटा तेरा जो भाई है ना, ये 10वीं क्लास में 3 साल से फेल हो जाता है, पास नहीं होता, तो एक ताबीज इसके लिए भी पढ़वा के ले आना। वो बच्चा 10 रुपए लेकर के बच्चों चला गया। और जब 10 रुपए लेकर के वो बच्चा गया, अभी तुम इन बच्चों को क्या देख रहे हो, अभी तो इनका कौशल देखना शाम को आकर के, है ना, ये गुरुकुल के प्रोडक्ट है, ये इनकी शस्त्र विद्या देखना, इनका शास्त्र का अभ्यास देखना, इनका उच्चारण सुनना, वेद मंत्र बोलते हैं ये बच्चे, कितनी मेहनत करते हैं, इनके शरीर को देखो, इनसे कोई भिड़ नहीं सकता, इतनी ताकत इनके पास में, तलवार चलाना, भाले चलाना, लाठी चलाना, है ना, बम बनाना, और जिन चीजों से तुम डरे रहते हो ना, ये भूत प्रेत जिन पिशाच, उनसे तो खेलते हैं, इनके सामने कोई नहीं प्रकट होता, ये गुरुकुल का प्रताप है। तो उसने कहा, 10 रुपए लेकर के मुल्ला जी के पास में वो गया, उसने कहा, मुल्ला जी 2 ताबीज पढ़ के दे दो, एक भाई के लिए और एक भैंस के लिए। मुल्ला जी ने दोनों ताबीज जैसे पढ़ करके फूंक मार करके दे दिए, ताबीज दोनों एक एक जैसे थे, क्योंकि 5-5 रुपए उनकी कीमत थी। बच्चे ने दोनों ताबीज अपनी जेब में डाले, प्रसन्नता के साथ में दौड़ता हुआ चला आ रहा था, कह रहा था कि भाई अब तो भैंस का भी दूध पीने को मिलेगा और भैया भी 10वीं में पास हो जाएगा। एक समझदार व्यक्ति मिल गया उसको रास्ते में, उसने कहा, बेटे तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? उस बच्चे ने सारी स्थिति बताई, अंकल जी भैंस ब्या गई थी पर दूध नहीं दे रही थी, और मेरा भैया भी 3 साल से 10वीं में फेल हो रहा था, आज मैं ताबीज पढ़वा के लाया हूँ, भैंस का दूध भी पीने को मिलेगा और भैया भी 10वीं में पास हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा जरा ताबीज तो मुझे दिखाओ। उस व्यक्ति ने दोनों ताबीज, उस बच्चे ने दोनों ताबीज उस समझदार व्यक्ति को दे दिए। उसने देखे जब दोनों ताबीज, तो उसने कहा कि बेटे ये तो दोनों एक जैसे ही हैं। बोले हाँ एक जैसे तो हैं और 5-5 रुपए के ही हैं। उसने कहा, बेटा एक बात बताओ, अगर भूल से, अगर इन ताबीजों में दम है और भूल से यदि तुम्हारी भैंस वाला ताबीज भाई के गले में बंध गया तो क्या होगा? फिर तो शाम को तेरा भाई बाल्टी भर देगा दूध की। और यदि तेरे भाई वाला ताबीज भैंस के गले में बंध गया तो भैंस 10वीं में पास हो जाएगी। यही तो होना चाहिए, इन ताबीजों में दम है तो। अरे ऐसा होना संभव है क्या, बोलो? अच्छा हम 5 रुपए के ताबीज में 10वीं पास करा रहे हैं, अरे थोड़ा बुद्धि पर जोर दो। अगर 5 रुपए के ताबीज में मुल्ला जी 10वीं पास करा देता तो मुल्ला जी खुद IAS ऑफिसर बन जाता, वो ताबीज पढ़ पढ़ के क्यों दुनिया को देता? लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा मंच है आर्य समाज का, जो आपको सत्य कहने की हिम्मत करता है, जो आपको सच्चाई के साथ में बोलता है, प्रमाणों के साथ में बोलता है, तर्क के साथ में बोलता है। और दूसरी बात, ये पुस्तक मेरे हाथ में है। हम जो भी कुछ बोलते हैं, दुनिया को चैलेंज करते हैं, मुल्ला मौलवी पादरी जिनको भी हम चैलेंज करते हैं, हमारे पीछे ये शस्त्र हमारे पास में है, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें सारे पाखंडियों की पोल खोल करके स्वामी दयानंद रख करके चले गए। मुल्ला मौलवी नास्तिक पादरी पाखंडी किसी के पास में भी इस पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं, किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। तो ये सबसे साइंटिफिक लॉजिकल पुस्तक है। हम सनातनी लोगों के पास में अपने सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे कोई तार्किक पुस्तक है, सबसे लॉजिकल और प्रामाणिक पुस्तक है, तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। इस पुस्तक को अपने जीवन में जरूर पढ़ना, आपको धर्म की सही जानकारी मिलेगी, ईश्वर की सही जानकारी मिलेगी, संस्कृति की जानकारी मिलेगी और विधर्मियों के बारे में भी आपको ठीक जानकारी मिलेगी। तो ये पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है और इस पुस्तक की कीमत केवल 25 रुपए है। 25 रुपए, 25 रुपए में इतनी मोटी पुस्तक आपको दी जा रही है। आप इसको लेकर के जरूर जाना और इस पुस्तक को जरूर पढ़ना। ये पुस्तक जिस व्यक्ति ने पढ़ ली, उसके जीवन की धाराएं बदल जाती हैं, वो मानव से महामानव बन जाता है, वो नर से नारायण बन जाता है। आज भी हमारे बीच में कितने सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गए और राष्ट्र और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान उन लोगों ने दिया है। तो ये पुस्तक जीवन को बदलने वाली पुस्तक है।
हम लोग भी यदि पुस्तक नहीं मिलती होती तो हम भी आप जैसे एक सामान्य इंसान बनकर के जीवन जी रहे होते, लेकिन ये इस पुस्तक का करिश्मा है कि आज हम साधारण जैसे बच्चों को भी मंच पर बिठा करके और हम राष्ट्र समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग इस देश की सेवा में जो लगे हुए हैं उन सबके प्रेरणा के रूप में ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। तो इसको आप लोग लेकर के जाएंगे और इस पाखंड से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञोपवीत पहनो, ऋषि दयानंद के मार्ग पर चलो और धर्म के नाम पर जो आडंबर समाज में फैला हुआ उससे बचने का प्रयास आर्य समाज कर रहा है। इस पुस्तक में सारे तर्क के साथ में उनका उत्तर दिया गया है, इसको जरूर पढ़िएगा। मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि आप देश के युवा हो, आप देश के भविष्य हो। यदि हमारे युवा ही डगमगा गया तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? तो पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है। इस पाखंड का मतलब होता है जो चीज नहीं है उसको मानना। हम डरे बैठे हैं, अंधविश्वास, विश्वास हमको अपने पर नहीं है, अंधविश्वास, झूठा विश्वास हम लोग करते हैं। तो इन चीजों पर कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद सफल होने के लिए बहुत जरूरी है, गुरुजनों का आशीर्वाद सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह जब स्कूल में जाते हैं तो अपने गुरुजनों के पैर छू करके अभिवादन करते हैं? कितने बच्चे हाथ खड़ा करो? नहीं है, सारी परंपरा ही समाप्त हो रही है ना। अब तो हाय सर चल रहा है, बस ये हाय हत्या का मामला आ गया, सारे जमाने ही बदल गया। अरे तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, डोरे गंडे ताबीज बांधने से कुछ नहीं होगा। सुबह उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लिया करो, विद्यालय में जाते हैं गुरुजनों के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया करो, उनकी कृपा बनी रहेगी तो जीवन में बहुत बड़े बन जाओगे। और केवल पाखंडियों के चक्कर में डोलोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सच्चे देवता हैं, इनकी पूजा करो। यही सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद आर्य समाज आपको बताते हैं। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद।